दृष्टि सामान्य विज्ञान में हम लोग घटना चक्र में हम लोग चित्र पर आधारित पुस्तकें में रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं किरण किरणें। अब किरणें कौन कौन है? किरणें तीन है, अल्फा बीटा और गामा। सबसे पहले अल्फा किरणें के रे के बारे में जानते हैं, अल्फा रेज के बारे में। अल्फा रेज में क्या क्या जानते हैं? तो उसमें प्रकृति कैसा है, प्रतीक क्या है, वेग उसमें क्या है, भेदन क्षमता क्या है, आयनिक क्षमता क्या है, और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव और फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव कैसा किसका कौन क्या होता है वो जानते हैं किरण के बारे में जानते हैं। अल्फा किरण सबसे पहले प्रकृति, तो प्रकृति कैसा है अल्फा किरण का? धनावेशित कण। अल्फा किरण कैसा? धनावेशित कण है। इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और द्रव्यमान इसका कितना है? 4 AMU। और प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है He2 पर 4 और α2 पर 4। वेग इसका होता है प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। अल्फा किरण का वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग का 1/10। और फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव कैसा होता है? अल्फा किरण के फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव कैसा होगा? प्लेट को काला कर देता है। और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों पर प्रभाव कैसा होगा अल्फा किरणों का? वह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपण होगा और चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपण होगा। उसके बाद है आयनीकरण क्षमता। आयनोजाइंग पावर में क्या होता है? बीटा किरने से 100 गुना और गामा किरने से 10,000 गुना अधिक होता है। भेदन क्षमता 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भी भेद सकता है, छेद कर सकता है। यह अल्फा किरणें की भेदन क्षमता। अब हम लोग जानते हैं बीटा किरणें। बीटा किरणें में क्या क्या? बीटा किरणें में भी वही वही है जो कि है प्रकृतिक, प्रतीक, वेग, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, आयनीकरण क्षमता, भेदन क्षमता। तो सबसे पहले उसमें जानते हैं बीटा रे में प्रकृतिक। प्रकृतिक कैसी है? तो प्रकृतिक कैसे है? ऋणावेशित कणों से निर्मित है। इसका एक इकाई ऋणावेश होता है। बीटा किरण क्या है? ऋणावेशित कण है और यह एक इकाई ऋणावेश होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 0.0005486 AMU होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? 1 बीटा पर पावर 0 और 1 इलेक्ट्रॉन पर पावर 0। वेग कैसा होता है? यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कौन? बीटा किरणें है जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब बीटा किरणें में फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव कैसा होता है? तो अल्फा किरणें की अपेक्षा प्लेट को कम काला करता है। अल्फा किरणें क्या है? पूरा काला कर देता है, लेकिन बीटा किरणें क्या है? अल्फा किरणें की अपेक्षा प्लेट को कम काला करता है। और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों पर प्रभाव। तो विद्युत क्षेत्र में यह ध्यानावेशित प्लेट है और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण भी होता है। आयनिक क्षमता क्या है? अल्फा किरणों से 100 गुना अधिक होता है बीटा किरणें की। आयनिक क्षमता अल्फा किरणों से 100 गुना अधिक होता है। और बीटा किरणें की भेदन क्षमता क्या है? 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भी भेद सकता है। यह है बीटा किरणें की प्रकृति का भेदन क्षमता। अब गामा किरणें के बारे में जानते हैं। गामा रेज, गामा रेज में भी क्या क्या है? प्रकृति के बारे में पढ़ना है, उसमें वेग के बारे में, फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभाव क्या है उसमें जानना है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, आयनिक क्षमता और भेदन क्षमता, ये सब तीनों में है। तो सबसे पहले गामा किरण का प्रकृति कैसा? तो विद्युत उदासीन होता है गामा किरण। अब गामा किरण का तरंग दैर्ध्य क्या है? लगभग 1 एंगस्ट्रम होता है। और गामा किरण का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरण का वेग क्या होता है? लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और इस पे गामा किरण में फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव क्या होगा? अल्फा एवं बीटा किरणों की अपेक्षा प्लेट को सबसे कम काला करती है। उसके बाद है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव क्या होता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है। गामा किरणें से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। और आयनिक क्षमता क्या होता है? अल्फा किरणें से 1/10,000 गुना अधिक और बीटा किरणें से 1/100 गुना अधिक होता है गामा किरणें। और गामा किरणें की भेदन क्षमता क्या है? 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भी भेद देता है। परीक्षा दृष्टि से पढ़ते हैं, जिसमें
हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या? हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अपवाहक सिद्धांत के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसके द्वारा? गाइगर काउंटर से। और रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक कौन है? ऑटोहन हेनरी बैकुरा, जिसने 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। My channel.